हेलो एवरीवन, आई एम डॉक्टर जय शिरपरा और आप सबका स्वागत है डॉक्टर जयस बायोलॉजी के अंदर। आज के लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं अबाउट दी वॉटर पोलिनेशन। हम लोगों ने पढ़ा था कि पोलिनेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल एजेंट्स होते हैं जिनमें एयर एंड वॉटर दोनों नॉन लिविंग मतलब एबायोटिक फैक्टर्स हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा अगर हम देखें तो एबायोटिक में मोस्ट कॉमन जो है वो एयर पोलिनेशन है। वाटर पोलिनेशन एक्सट्रीमली रेयर है, एक्सट्रीमली रेयर। सबसे ज़्यादा तो पूरी दुनिया में जो प्लांट्स है वो इंसेक्ट के जरिए ही पोलिनेशन करते हैं, पर फिर भी काफ़ी सारा पोलिनेशन कुछ प्लांट्स के अंदर वाटर के जरिए होता है, भले ही क्वाइट रेयर हो। पर हमें समझना तो डेफिनेटली पड़ेगा कि होता कैसे है। यही समझाने के लिए मैंने आपको वाटर पोलिनेशन के लिए ये फिगर दे रखी है कि वाटर पोलिनेशन कैसे होता है, उसमें किस तरीके से पोलन ग्रेन स्टिग्मा की तरफ मूव करती हैं। पर पहले समझ लेते हैं कि वाटर पोलिनेशन इज क्वाइट रेयर अमंग दी फ्लावरिंग प्लांट्स, बहुत ही रेयर है, रेयरेस्ट पोलिनेशन भी कह सकते हैं। अगर कोई भी आपको पूछे कि रेयरेस्ट टाइप ऑफ पोलिनेशन, तो वो है वाटर पोलिनेशन। सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा जो है वही वाटर पोलिनेशन करती है, और उसमें भी मोस्टली मोनोकोटिलेडन्स जो है उन्हीं में देखने को मिलता है। एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि सारे प्लांट्स जो पानी में होते हैं, जो एक्वेटिक प्लांट्स है, वो वाटर से पोलिनेशन नहीं करते। मेजोरिटी एक्वेटिक प्लांट्स इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन करते हैं, और ये एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है, क्योंकि रहते पानी में है, एक्वेटिक है, हैबिटेट वाटर की है, उसके बाद भी पोलिनेशन वाटर से नहीं कर रहे, इंसेक्ट से कर रहे। जैसे लोटस बहुत ब्यूटीफुल फ्लावर है, वो होता पानी में है, फिर भी उसका रिप्रोडक्शन जो है उसमें मेन पार्ट इंसेक्ट का है, पोलिनेशन इंसेक्ट से होता है। वेलिसनेरिया, जिसको हम लोगों ने वाटर हाइसिंथ कहा था, टेरर ऑफ बंगाल कहा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, इवन उसके भी फ्लावर्स अट्रैक्टिव होते, वो भी इंसेक्ट के जरिए पोलिनेशन करता है, वो भी एक्वेटिक प्लांट है। इसलिए हमने कहा कि अगर वाटर के अंदर जो प्लांट्स रहते हैं, जो एक्वेटिक हैबिटेट वाले प्लांट्स हैं, अगर वो भी वाटर पोलिनेशन नहीं कर रहे, तो सोच लीजिए कि वाटर पोलिनेशन कितना रेयर होगा। एक अलग टॉपिक हम देख रहे हैं कि वाटर सिर्फ पोलन ग्रेन्स को ट्रांसपोर्ट करने का मीडियम नहीं है, काफ़ी सारी स्पीशीज इसमें मेल गैमेट्स को ट्रांसफर करने के लिए भी वाटर एक मीडियम है। आप लोगों ने 11 साइंस में पढ़ा था कि आल्गी के गैमेट्स, ब्रायोफाइट्स के गैमेट्स और टेरिडोफाइट्स के गैमेट्स जो है वो वाटर के जरिए आपस में मिलते हैं। आल्गी, ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स वाटर के मीडियम से ही रिप्रोडक्शन कंप्लीट कर सकती हैं। इसका मतलब वो सिवियरली डिपेंडेंट है वाटर के ऊपर फॉर द पोलिनेशन, सॉरी मतलब फॉर द मेल गैमेट्स ट्रांसपोर्टेशन। ये पोलिनेशन वाला टॉपिक चल रहा है तो दिमाग में पोलिनेशन घूम रहा है, तो ये एक डिफरेंट टॉपिक इन्होंने बीच में दे दिया। मेल गैमेट्स के ट्रांसपोर्ट के लिए वाटर मीडियम है एल्गी, ब्रायोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स। वैसे तो पूरा जो टॉपिक है वो प्लांट का है, पर मैं आपको एनिमल का एग्जांपल दे दूं, फ्रॉग में भी स्पर्म सेल्स और ओवम के फ्यूजन का मीडियम जो है वो वाटर है, इसीलिए तो मॉनसून बेस्ड पीरियड है फ्रॉग के रिप्रोडक्शन का। तो वाटर काफ़ी सारे एनिमल्स में गैमेट्स के फ्यूजन का मीडियम बनता है, काफ़ी सारे एनिमल्स में। उसके लिए आपको फोर्थ चैप्टर 11 साइंस में पढ़ना पड़ेगा कौन कौन से एनिमल्स जो है वो वाटर को एज अ मीडियम यूज़ करते हैं, पर फिलहाल हम देख रहे हैं चैप्टर जो है वो प्लांट का है, इस वजह से हम प्लांट्स एग्जांपल्स को ही कंसर्न करेंगे। यही रीज़न है कि 11 साइंस में हमने पढ़ा था कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स इस दुनिया में बहुत फ्यू ऐसी लोकेलिटी है जहाँ पर पाए जाते हैं, बहुत कम जगह, कम रीजन के अंदर जनरली हमने ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स का डिस्ट्रीब्यूशन देखा होगा। ये स्पीशीज दुनिया में हर जगह नहीं पाई जाती, क्योंकि ये वैसी जगहों पर ही मिलेंगे जहां पर वाटर अवेबिलिटी प्रॉपर हो, क्योंकि इनके गैमेट्स को ट्रांसपोर्ट करने के लिए, मेल गैमेट्स को फीमेल गैमेट्स तक फर्टिलाइजेशन करने के लिए अगर पहुँचना है तो वाटर का सहारा लेना पड़ेगा, और हर जगह पर हो सकता है इतना वाटर अवेलेबल ना हो जितना इनको रिप्रोडक्शन के लिए चाहिए। यही रीज़न है कि ब्रायोफाइट्स और टेरिडोफाइट्स कॉमनली हर जगह नहीं देखने को मिलते, कुछ लिमिटेड लोकालिटीज पे ही उनका डिस्ट्रीब्यूशन है। अब ये जो दोनों टॉपिक है वो एक्चुअल में पोलिनेशन में, वाटर पोलिनेशन से कंसर्न नहीं करते, ये गैमेट
ट्रांसफर से कंसर्न करते, पर यहाँ पर दे दिया गया क्योंकि कहीं ना कहीं वाटर की रिक्वायरमेंट जो है उसी के साथ जुड़े हुए हैं। मेन तो दो पॉइंट्स थे कि पोलिनेशन बाय वाटर इज क्वाइट रेयर, बहुत ही रेयर है, और दूसरा सिर्फ और सिर्फ 30 जेनरा जिसमें मोनोकोटिलेडन्स है मोस्टली, उन्हीं में वाटर पोलिनेशन हमें ज़्यादा देखने को मिलता है। वाटर पोलिनेशन होता कैसा है चलिए वो समझते हैं, वो हमारे लिए मेन पोर्शन है किस तरीके से होगा। कुछ एग्जांपल्स भी हमें देखने हैं कि वाटर पोलिनेशन कौन कौन सी स्पीशीज करती है और कौन कौन सी स्पीशीज नहीं करती। सम एग्जांपल्स ऑफ वाटर पोलिनेटेड प्लांट्स आर वेलिसनेरिया एंड हाइड्रीला। तो ये वो स्पीशीज का नाम है जो वाटर पोलिनेशन करेगी, तो वेलिसनेरिया और हाइड्रीला, और तीसरा है जोस्टेरा जिसको सी ग्रास भी कहा जाता है, जिसको मरीन सी ग्रास भी कहते हैं। ये तीन स्पीशीज हैं जो वाटर पोलिनेशन कर सकती है, ऐसा एग्जांपल में दिखाया। वैसे बहुत सी स्पीशीज है पर हमें एग्जांपल में ये तीन दिखाई है। फिगर में मैंने तीनों प्लांट स्पीशीज को यहाँ पर दिखाया है। तो सबसे पहली है वेलिसनेरिया, तो वो यहाँ रही। सेकेंड की अगर हम बात करें तो वो हाइड्रीला, तो वो ये है, और थर्ड जोस्टेरा, वो यहाँ रही। तो ये तीनों स्पीशीज वाटर के अंदर सबमर्ज है, मतलब इनकी पूरी बॉडी ऑलमोस्ट प्लांट के अंदर डूबी हुई होती है, इवन इसके फ्लावर्स, इसी रीजन से इनमें वाटर पोलिनेशन होता है। तो ये है वाटर पोलिनेशन करने वाली प्लांट स्पीशीज। जैसे मैंने आपको बताया था, नॉट ऑल एक्वेटिक प्लांट्स यूज वाटर फॉर पोलिनेशन। ये प्लांट्स ग्रो तो होते हैं पानी में, वाटर को मीडियम बनाते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करने के लिए, वाटर इनका घर है, इनकी हैबिटेट है, इनका होम है, फिर भी वाटर के जरिए पोलिनेशन नहीं करते। अब और कष्ट नहीं देना चाहते, इतना तो पानी इनके लिए कर रहा है, वो न्यूट्रिशन दे रहा है, सहारा दे रहा है, घर बन के बैठा है उनका, अब पोलिनेशन भी पानी से करवाएंगे, अब थोड़ा जो लाभ है, प्रॉफिट है, वो किसी और को भी दे। तो इन्होंने ये प्रॉफिट दिया इंसेक्ट को कि भाई पानी ने हमें लाइफ दी, अब तुम हमारा पोलिनेशन कर दो तो हमारा काम बन जाए। क्योंकि इनके फ्लावर्स हवा में हैं तो पानी कैसे कर पाएगा पोलिनेशन। पोलिनेशन के लिए, वाटर पोलिनेशन के लिए वाटर के कॉन्टेक्ट में तो आना पड़ेगा, तो प्लांट के लीव्स रूट सब कुछ पानी में है पर फ्लावर्स जो है वो हवा में है। तो यहाँ पर देखिए फिगर में लोटस दिखाया है आप लोगों को, सी लिली, सॉरी वाटर लिली जिसको कहते हैं। तो वाटर हायसिंथ अपना पहला प्लांट है जिसको हम टेरेड ऑफ बंगाल कहते थे, आइकॉर्निया कहते थे। ये प्लांट के फ्लावर बहुत अट्रैक्टिव है, मतलब इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे, इंसेक्ट पोलिनेशन करेंगे, और इनके फ्लावर्स हवा में उठे हुए हैं, वाटर के कॉन्टेक्ट में नहीं है। और दूसरा एग्जाम्पल है वाटर लिली, सेम उसमें भी जो फ्लावर्स से वो हवा में आए हुए हैं, वाटर के कांटेक्ट में ही नहीं आएंगे। लिखा हुआ है द फ्लावर्स इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर, यहाँ पर बहुत क्लियर कट हमें लिखा हुआ दिख रहा है द फ्लावर्स इमर्ज अबोव द लेवल ऑफ वाटर। इस रीजन से वाटर पोलिनेशन इनमें नहीं हो सकता और इनके फ्लावर्स बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव हैं, तो इंसेक्ट से पोलिनेशन होगा, इनमें तो इंसेक्ट से होगा। और कुछ और भी इनके अलावा स्पीशीज है जो वाटर में रहती हैं, वो फिर विंड का सहारा लेंगे, लैंड प्लांट्स की तरह। तो हम लोगों ने देखा इस स्लाइड में कि पानी में भी ग्रो होने वाले जो कुछ प्लांट स्पीशीज थे वो भी वाटर का मीडियम नहीं ले रहे पोलिनेशन के लिए, वो इंसेक्ट का सपोर्ट ले रहे। यहाँ तक की जो चीज़ें थी वो वाटर पोलिनेशन के लिए जनरल इन्फॉर्मेशन जैसी थी, पर हम अब एक्चुअल में देख रहे हैं कि पोलिनेशन वाटर से होगा किस तरीके से। यहाँ एक डिफरेंट मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है। देखिए वाटर पोलिनेशन इन वेलिसनेरिया, एक डिफरेंट मैकेनिज्म डेवलप करना पड़ता है तब जाके इनमें पोलिनेशन हो पाता है। सबसे पहले हम वेलिसनेरिया के एग्जांपल से देखने वाले हैं। यहाँ जो एग्जांपल दे रखा है हमें वेलिसनेरिया का दे रखा है और सी ग्रास का दे रखा है, उन दोनों एग्जांपल के जरिए देखेंगे कि पोलिनेशन कैसे होगा। वेलिसनेरिया में फीमेल एंड मेल फ्लावर डिफरेंट होते हैं। ये प्लांट दो तरीके के फ्लावर प्रोड्यूस करता है, फीमेल एंड मेल फ्लावर्स। फीमेल फ्लावर्स जो होते हैं
वो कहाँ होते हैं? रीच द सरफेस ऑफ वाटर बाय द लॉन्ग स्टॉक। स्टॉक कौन सा है भाई इसका? ये इनका स्टॉक है, ये देखिए ये इसका स्टॉक है, ये जो लंबी लंबी हमें लाइन बना रहे हैं ये स्टॉक है इनका। ये लंबे स्टॉक के जरिए ये फ्लावर को कहाँ पहुँचना रहेगा? द सरफेस ऑफ वाटर। तो फीमेल फ्लावर जो है वो लॉन्ग स्टॉक के जरिए, पूरा प्लांट भले पानी में है पर फीमेल फ्लावर लॉन्ग स्टॉक के जरिए वाटर सरफेस के पास पहुंच जाएंगे। अब वो नहीं बोला, रीच द सरफेस ऑफ वाटर, वाटर की सरफेस तक पहुंचना है। ऐसा करना क्यों है? क्योंकि मेल फ्लावर्स को देखिए, जो मेल फ्लावर्स होते हैं वो तो अंदर की तरफ है, देखिए ये तो वाटर के अंदर है, पर उन्होंने अपनी पोलन ग्रेन से उनको रिलीज पानी में किया है और पोलन ग्रेन्स तैरती तैरती फ्लोट करती करती पहुंच चुकी है वाटर के ऊपर। वो पोलन ग्रेन्स जो है वो वाटर के ऊपर तैरेगी। तो द मेल फ्लावर्स और पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो यहां पर या तो मेल फ्लावर से स्टेमेन जो है वो वाटर की सरफेस की तरफ पहुंच जाएगा, या फिर मेल फ्लावर से पोलन ग्रेन्स पहुंच जाएगी वाटर की सरफेस के ऊपर। इसीलिए उसको कैच करने के लिए फीमेल फ्लावर्स वाटर की सरफेस पे आए हुए हैं, ये रीजन है। फिर होगा क्या? यहाँ पर वाटर करंट, वाटर के फ्लो की हेल्प से ये जो पोलन ग्रेन है वो पहुंचेगी फीमेल फ्लावर की स्टिग्मा तक। सम ऑफ देम इवेंचुअली रीच द फीमेल फ्लावर एंड द स्टिग्मा। सम ऑफ देम मतलब वाटर एंड विंड पोलिनेशन में बड़ा प्रॉब्लम ये है कि सारी पोलन ग्रेन्स नहीं भी पहुंचती, बाय चांस की बात है, चांस ऑलवेज वर्ड आएगा। अगर वाटर करंट की मूवमेंट जो है वो प्रॉपर हुई तो कुछ पोलन ग्रेन्स फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा तक पहुंच जाएगी और फर्टिलाइजेशन प्रोसेस आगे की तरफ बढ़ सकती है। तो ये जो हम लोगों ने पढ़ा वो पढ़ा हमने वैली सिनेरिया के अंदर किस तरीके से पोलिनेशन होता है। अब आगे की तरफ बढ़ते हैं। वाटर पोलिनेशन इन सी ग्रासेस। सी ग्रासेस में हम एग्जांपल दिया है, यहां पर एक सी ग्रास मैंने दिखाया, देखिए फिगर में। और सी ग्रासेस के अंदर क्या होता है? फीमेल फ्लावर्स रिमेन सबमर्ज। वैली सिनेरिया की तरह नहीं कि फीमेल फ्लावर जो है वो पानी की सरफेस तक पहुंच चुके उठे हुए, यहां पर फीमेल फ्लावर जो है वो पानी के अंदर डूबे हुए ही रहेंगे। सब मर्ज का मतलब है अंदर ही रहना, डूबा हुआ रहना। सब मर्ज इन वाटर, पानी के अंदर डूबे हुए रहेंगे और पोलन ग्रेन भी पानी के अंदर ही रिलीज करेंगे। तो पानी की मदद से पोलन ग्रेन जो है वो सीधी फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाएगी। तो फीमेल फ्लावर्स पानी में डूबे हुए हैं, मेल फ्लावर्स भी, पोलन ग्रेन मेल फ्लावर रिलीज करेंगे, वाटर उसको फीमेल फ्लावर तक पहुँचा देगा। तो इस तरीके से सी ग्रासेस के अंदर पोलिनेशन होता है। पोलन ग्रेन्स इन मेनी सच स्पीशीज आर लॉन्ग। इनकी पोलन ग्रेन्स कैसी होगी? जो वाटर पोलिनेशन करने वाले प्लांट्स हैं उनकी पोलन ग्रेन्स लॉन्ग होती हैं, रिबन लाइक होती हैं और वो पैसिवली मूव करेगी। उनके पास कोई फ्लैजेला जैसा स्ट्रक्चर, टेल जैसा स्ट्रक्चर, सिलिया जैसा स्ट्रक्चर नहीं है। इनको पानी जहाँ ले जाएगा वहाँ जाना है, बस खुद को सौंप दिया पानी के हवाले, जहाँ जहाँ पानी वहाँ वहाँ वो। तो जहाँ वाटर ले जाएगा वहाँ मूवमेंट करना पड़ेगा, खुद मूवमेंट करके कहीं पर पहुँच नहीं सकते, इसलिए पैसिवली वर्ड लिखा है। पैसिवली मतलब वो खुद एक्टिवली नहीं तैर रहे, वाटर मूवमेंट कर रहा है इसलिए उसके साथ मूवमेंट हो रही है, इसलिए हमने पैसिव मूवमेंट वर्ड यूज़ किया। तो ये हमने पढ़ा वाटर पोलिनेशन एंड सी ग्रासेस एंड वैली सिनेरिया। अब आगे की तरफ बढ़ते और एक पॉइंट बाकी है हमारा, वाटर पोलिनेशन इन सी ग्रासेस, उसमें एक और टॉपिक देखना है। सम ऑफ देम रीच द स्टिग्मा एंड अचीव पोलिनेशन। जैसे हमने देखा कि कुछ इनमें से फीमेल फ्लावर के पास पहुंच जाते हैं, जहां फीमेल फ्लावर पानी में ही सबमर्ज्ड मतलब डूबा हुआ है। पर इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज, इन मोस्ट ऑफ द वाटर पोलिनेटेड स्पीशीज पोलन ग्रेन्स आर प्रोटेक्टेड। किसके लिए प्रोटेक्ट करना है? फ्रॉम वेटिंग। अगर कागज को पानी में डुबोगे तो क्या होगा? भीग जाएगा।
हम नहीं चाहते हमारी पोलन ग्रेन भीग जाए और ख़राब हो जाए। इस वजह से पोलन ग्रेन को पानी से बचाने के लिए एक कवरिंग दिया गया, जैसे विंटर में हम अपने मॉइस्चर को लॉक करने के लिए वैसेलिन लगाते हैं, वैसा वैक्स लाइक मटेरियल जो है वो पोलन ग्रेन के सराउंडिंग में फॉर्म करवाया गया, और जो उसको प्रोटेक्शन देगा, जो उसको प्रोटेक्ट करेगा फ्रॉम दी वाटर, और उस कवरिंग का नाम है म्यूसीलेजिनस कवरिंग। खास याद रखना है ये हमें। देखिए वो कवरिंग कैसा है, म्यूसीलेजिनस, इस तरीके का कवरिंग देखने को मिल सकता है जो प्रोटेक्शन करेगा, जो प्रोटेक्ट करेगा पोलन ग्रेन का, जिससे पोलन ग्रेन जो है वो वाटर से भीग ना जाए। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है कि म्यूसीलेजिनस कवरिंग कौन सी पोलन ग्रेन्स का एडप्टेशन है, तो वो एडप्टेशन है वाटर पोलिनेटिंग प्लांट स्पीशीज का। इसी के साथ हम लोग वाटर पोलिनेशन वाला जो टॉपिक है वो फिनिश कर देंगे, और नेक्स्ट टॉपिक होगा एनिमल और इंसेक्ट ओरिएंटेड पोलिनेशन। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।